Preview. तो आज जो हम सवाल देख रहे हैं वो है एट डिजिट्स फ्रॉम लीड कोड। ओके, सवाल स्टेट ये कर रहा है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है और उसको हमें रिपीटेडली उसके डिजिट्स ऐड करते रहना है जब तक कि वो नंबर एक वन डिजिट नंबर ना बन जाए। एग्जांपल देख लेते हैं कि उसने एग्जांपल में दिया हुआ है 38। अब हमें 38 को जब तक ऐड करते रहना है कि जब तक वो 38 वन डिजिट नंबर ना बन जाए, उसके डिजिट्स को ऐड करते रहना है। अब जैसे 38 है, उसके दो डिजिट हैं 3 प्लस 8, तो 3 प्लस 8 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बन गया हमारे पास 11। अब 11 भी एक टू डिजिट नंबर है, मतलब वन डिजिट से बड़ा है, तो उसको मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2। तो अब 2 जो है मेरे पास वन डिजिट नंबर है, तो अब मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ रिटर्न कर देना है वापस 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके, तो इसका इसको इसकी अप्रोच ये हो सकती है कि हमें इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर्स को हम लोग नंबर्स के डिजिट्स को हम लोग मैनिपुलेट किस तरह करते हैं, हम उसको किस तरह ऐड करते हैं और हम उसे किस तरह डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं। सपोज करें मेरे पास ये डिजिट था, नंबर था मेरे पास 38। ठीक है, अब 38 में जो है मुझे उसके डिजिट्स को अगर ऐड करना है तो मुझे सबसे पहले उसके डिजिट को गैड करना पड़ेगा, कोई भी एक डिजिट को गैड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको मुझे ऐड करवाना पड़ेगा। अब गैड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिजिट का अगर हमें कोई किसी भी नंबर का कोई डिजिट अगर गैड करना है तो हम उसको सिंपल एक ऑपरेशन करवाते हैं मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलो 10 से ये होता है कि उस डिजिट उस नंबर का सबसे आखिरी डिजिट जो होता है वो हमारे पास आ जाता है। अगर मैं 38 मॉड्यूलो 10 करता हूँ तो मेरे पास उसका आखिरी डिजिट आ जाएगा जो होगा 8। सही है, और अगर मुझे उसके बाद वाला डिजिट गाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, 38 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, और मैं 3 को मैं मॉड्यूलो 10 कर दूंगा। वैसे 3 तो सिंगल डिजिट है, डायरेक्ट सिंगल डिजिट भी हम लोग उठा सकते हैं, वरना अगर इसके साथ कोई और डिजिट होते तो मैं उसको वापस वही करता मॉड्यूलो 10, और मेरे पास लास्ट डिजिट आ जाता। और फिर इसी तरह हमारी साइकिल चलती रहती जब तक कि हमारे पास एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता। तो उसमें एक बड़ी एग्जांपल भी देख लेते हैं। बट सपोज कि हमारे पास नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे इसका इसके डिजिट्स को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस 1 2 3 4 को सबसे पहले मॉड्यूलो 10 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब मैंने 4 को एक सम में डाल दिया, इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 4। अब मुझे बाकी नंबर्स का काम है, तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 123। ठीक है, अब 123 को मैं वापस वो करूँगा, 123 मॉड्यूलो 10 करूँगा तो मेरे पास वापस 3 आ जाएगा। अब मैं उसको वापस सम में प्लस करवा दूंगा, सम इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7। सही है, अब मुझे वापस उसको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, मैं डिवाइड बाय 10 करूँगा तो ये वापस हो जाएगा 12। इसी तरह अगर मैं 12 मॉड्यूलो 10 करूँगा तो मेरे पास एंड डिजिट आ जाएगा 2। ठीक है, और अब मैं 2 को वापस इसमें ऐड कर दूंगा, 4 5 6 7 और 8 और 9, ये हो जाएगा हमारे पास सम 9। ठीक है, और मैं उसको वापस डिवाइड बाय 10 करूँगा तो हमारे पास 1 बच जाएगा, और 1 मेरे पास लास्ट डिजिट होगा तो मैं उसको सिंपल ऐड करवा दूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा पूरा सम 10। ठीक है, तो इसके हम लोग को दो केस पता लग गया, अगर हम मॉड्यूलर 10 करेंगे तो हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा, अगर हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास हमें हमारी वैल्यू छोटी हो जाएगी। सही है, तो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेन कंडीशन आ जाएगी, व्हाइल नंबर डिवाइड बाय 10 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन से चेक करने के लिए अगर नंबर हमारे पास सिंगल डिजिट है तो हम आगे प्रोसीड ना करें और हम लूप को एग्जिट करवा दें। ठीक है, और उसके बाद अगर हमें इसकी वैल्यू कहीं सेव करवाना है तो हम सपोज करें इसको पढ़ लेते हैं, करंट सम कुछ 0। ठीक है, अब इस एक्स के लिए जैसे 38 था, 38 को मुझे तोड़ के ऐड करवाना पड़ेगा, 11 बन जाएगा। सही है, तो ये ऐड करवाने वाला काम जो है वो मैं इस करंट सम में करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे लॉजिक बनानी पड़ेगी, वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मैं उसको वापस ऐड करवाना है मुझे उसको सम में, तो मैं क्या करूँगा, करेंट सम प्लस इज इक्वल टू, और ये मेरे पास हो जाएगा एक्स मॉड्यूलो 10। से क्या होगा कि उसका एक लास्ट डिजिट आ जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा, और सिंपली मैं क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10। ऐड करने के बाद मैं उसको एक डिजिट उसका कम कर दूंगा और उसको वापस इस वाइल लूप में ट्रैवर्स करवा दूंगा।
ये सिंपल ऑपरेशन रहेंगे मेरे पास, और एंड में क्या कर दूंगा कि नम को मैं बराबर कर दूंगा करंट सम के, ताकि नेक्स्ट आइटरेशन में मेरे पास, अगर सपोज करें 38 था तो नेक्स्ट आइटरेशन में मेरे पास 11 चेक हो सके। और इसी तरह अगर इसकी लूप से बाहर आएगा तो मैं सिंपल इसको रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, ये दो टेस्ट केस क्लियर हो गए मेरे पास, तो सबमिट भी करवा देता हूँ। ओके।